वेतन विसंगति और प्रति माह के वेतन भुगतान को लेकर दुर्ग निगम सफाई कर्मचारियों ने निगम का घेराव कर अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग कार्यालय पहुंचकर अपनी बातें रखी। दुर्ग नगर निगम में लगातार कई वर्षों से वेतन विसंगति और प्रति माह वेतन भुगतान में हो रही असुविधा को लेकर दुर्ग नगर निगम का घेराव कर आक्रोश जताया। इस दौरान गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दुर्ग निगम के स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली से भेंट की। क्या करना है? सब तो सुन रहे हो, कल शाम तक का बात बता रहे हैं ना, पेमेंट का चलना चालू हो गया है। मत यार बोलो, यहाँ अधिकारी है, मास्टर पूरी पढ़ाया। कभी कहा जाएगा? अगर नहीं आएगा तो कल से परमानेंट काम बंद रहेगा, फिर नहीं पेमेंट आते तक। वही मैं बोला, अगर नहीं आता, नहीं आने की स्थिति में कल से काम बंद रहेगा। कल शाम तक? नहीं नहीं आज शाम तक करिए पेमेंट, कल तक का वेट नहीं कर सकते। प्रतिमाह वेतन न मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने निगम के इस कार्य प्रणाली से नाराजगी जताते हुए अपनी बातें रखी। साथ ही चर्चा के बाद शुक्रवार तक सभी का पेमेंट नहीं होने पर अगले दिन बिना किसी सूचना के निगम कार्यालय गेट के बाहर पंडाल लगाकर धरना देने की बात कही। इस संबंध में स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली ने प्रतिक्रिया दी। कर्मचारी अपने कार्य करने के उपरांत वेतन से संबंधित भुगतान समय पे होने के लिए उन लोग ने आए थे और वेतन भुगतान चालू हो गया है। कई लोगों के खाते में पैसा आना भी चालू हो गया है। बैंक में एजेंसी द्वारा खाते में पैसा डाल भी दिया है। मेरी लेखाधिकारी महोदय से चर्चा भी हुई है, लेखाधिकारी ने कहा कि उनका पेमेंट हमने जारी कर दिया है और एजेंसी द्वारा भी जो है लोगों के खाते में, कर्मचारियों के खाते में पैसा रिलीज कर दिया है। बैंक से जो आने में जो टाइम लगता है होता है, हो सकता है शाम तक पूरे खाते में आ जाए या कल तक पूरे सभी कर्मचारियों के खाते में आ जाएगा। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।